हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि द मोस्ट अवेटेड मूवी 2.0 रिलीज हो चुकी है, क्योंकि इस फिल्म के फर्स्ट पार्ट को सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए हम लोग 2010 में देख चुके हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस फिल्म से हमारी उम्मीदें काफ़ी बढ़ जाती है। तो हमारी उम्मीदों को बरकरार रखते हुए शंकर सर की इस फिल्म में एक्शन, VFX और विजुअल पर काफ़ी अच्छा काम किया है और हमारी उम्मीदों को खरा रखा है। This is beyond science. इसके लिए हमें कोई सुपर पावर चाहिए। तो क्या करें? फिल्म की कहानी की बात करें तो इस फिल्म की कहानी अपने पहले पार्ट से रिलेट करती है। फिल्म में बताया गया है कि किस तरह से अक्षय मोबाइल रेडिएशन का शिकार होते हैं और उसके बाद रजनीकांत को फिल्म में चिट्ठी को वापस से लाना पड़ता है। दोस्तों, इससे ज्यादा मैं आपको इस फिल्म की कहानी के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि इससे आपका फिल्म को देखने का मजा खराब हो जाए। अगर हम फिल्म के एक्टर्स की बात करें तो पहले पार्ट की तरह ही रजनीकांत ने अपने दोनों किरदार को बखूबी निभाया है। वो इस फिल्म की जान है। इस फिल्म में वो एक साइंटिस्ट और एक रोबोट के कैरेक्टर को प्ले करते हैं। अक्षय कुमार की बात करें तो अक्षय कुमार पहले सीन में ही आते से छा जाते हैं और विलन बनकर उन्होंने बता दिया है कि क्यों वो बॉलीवुड के सभी एक्टर्स से ऊपर है। एमिजेक्शन, आदिल सईद और सुधांशु पांडे ने भी काफी अच्छा काम किया है। दोस्तों, इस फिल्म में आपको VFX और एक्शन का ऐसा तड़का देखने को मिलेगा जो हॉलीवुड में भी आपने नहीं देखा होगा। फिल्म के सीन्स बहुत ही अट्रैक्टिव है और बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ सीन्स बहुत ही प्यारे लगते हैं। AR रहमान और रसूल पोकुट्टी सर ने इस फिल्म में काफी अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है। फिल्मों के गानों की बात करें तो हिंदी में इस फिल्म के गाने उतने अच्छे ना हो, लेकिन तमिल और तेलुगु में ये काफी अच्छे हैं और लोग इन्हें काफी पसंद कर रहे हैं। पिछले 2 साल से इस फिल्म का इंतजार हो रहा था और इस फिल्म को देखकर आपको लग जाएगा कि क्यों इस फिल्म को इतना टाइम लगा और इस फिल्म में इतना पैसा खर्च किया गया। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म का हर एक सीन काफी हार्ड वर्क से बनाया गया है। दोस्तों, इससे ज्यादा मैं आपको इस फिल्म के बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि अगर इससे ज्यादा बता दिया तो आपको फिल्म में उतना मजा ना आए जितना आपको अभी देखने के बाद आएगा। दोस्तों, इस फिल्म में हर एक्टर्स की इम्पोर्टेंस है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से स्टोरी से रिलेट करते हैं। दोस्तों, जब इस फिल्म का ट्रेलर आया था तभी से इस फिल्म को काफ़ी सुर्खियां मिल चुकी थी और इस फिल्म के VFX की काफ़ी ज़्यादा तारीफें हो रही थी। कहा जा रहा था कि ये फिल्म हॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों को टक्कर देने वाली है। दोस्तों, ये फिल्म अपने VFX से कई बड़ी हॉलीवुड की फिल्मों को टक्कर दे रही है और हो सकता है कि ये कई बड़ी हॉलीवुड की फिल्मों से आगे भी निकल गई है। आपको इस फिल्म में शंकर सर की क्रिएटिविटी देखने को मिल सकती है। उन्होंने हर एक्शन सीन पर काफ़ी ज़्यादा काम किया है और बहुत ही अच्छे से फिल्माया है। दोस्तों, टोटली मैं इस फिल्म को देता हूँ 4 out of 5 star। अक्षय कुमार के फैंस और रजनीकांत के फैंस इस फिल्म को देखकर शायद अपने आप को प्राउड फील करें और एक अच्छा मैसेज देती हुई ये फिल्म होती है एंड। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो भले ही ये फिल्म अपने पहले दिन काफ़ी कम कमाई करे, लेकिन हिंदी में ये फिल्म काफ़ी दिनों तक चलेगी और काफ़ी सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म हो सकता है कि बाहुबली 2 का भी रिकॉर्ड तोड़ दे। दोस्तों, अगर आप ये फिल्म देख के आ चुके हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। धन्यवाद।